subject as myself or Mercy. We are reading exercise 2.1. Dear student, I started that at previous lecture. I will tell you the question number from 1 to 10. They are very similar, and I hope that you may complete them. You may be completed all these. You completed all these. Now, we take the question number 11. Question number 11 of exercise 2.1. That some people, but not more people, find the values of the following. Instructions are given. Before the question, find the values of the following questions. So we take here the similar questions are question number 11 and question number 12. And question number 13 and 14 are the MCQ multiple choice question. So I hope that you may solve question number 13 and 14 by yourself also. So just we take question number 11. Change inverse 1 plus cos inverse minus 1 upon 2 plus sin inverse minus 1 upon 2. That we have to do. If we have a value of 5. So dear student, pay attention on how to solve that. So 10 inverse 1, that may be right. 10 inverse 10 pi by 4. 10 pi by 4 value would be 1. Plus cos inverse. अगर आप माइनस पाई बाई टू लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं माइनस, ऐसे लगा दिया 1 अपॉन 2. कॉस के किस एंगल की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 होती है, तो ये भी आप जानते होंगे स्टूडेंट. कॉस 120 वैल्यू होती है, तो दैट बी राइट 2 पाई बाई 3 राइट इन दैट. अगर आप प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 मुझे लगता है ये पहला क्वेश्चन था कल वाला. साइन इनवर्स मान करें तो इसकी वैल्यू आपको साइन याद हो माइनस फाइव बाई सिक्स आई थी, माइनस 30 आई थी, तो ये मेरा राइट साइन माइनस साइन माइनस फाइव बाई सिक्स इतना हो. दे आर राइट फ्रॉम द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. आपको मालूम है फॉर द साइन इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज दिस माइनस पाई बाई टू, इसमें बिलोंग करना चाहिए. फॉर साइन इनवर्स डियर स्टूडेंट रिवाइज द फैक्ट दैट आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे. और अगर इन केस ऑफ कॉस इनवर्स यहां पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था 0, 5 एंड इन केस ऑफ साइन 10 इन केस ऑफ 10 इनवर्स द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज अगर आपको याद हो तो दैट क्लोज इंटरवल यहाँ था ओपन इंटरवल याद करिए माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू. अब जरा अपना चेक करो कि यहाँ तक अब तक आपने जो किया वो क्या सही है या नहीं. तो जस्ट पाई बाई फोर थोड़ा और मैं आगे निकालता हूँ. जस्ट यू सी दैट विल कम एक स्टेप यहाँ तक जाएगा 10 इनवर्स से 10 तक जाएगा 5 बाई 4 और प्लस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल 2 पाई बाई 3 आ जाएगा और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल प्लस माइनस 5 बाई 6 दैट विल यू गेट. इतना आपको प्राप्त हो गया क्लियर. अब जरा देखो इन केस ऑफ 10 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पाई बाई 4 माने 45 इसमें बिलोंग करेगा क्योंकि ये माइनस 90 से 90 है
तो 45 इस पे आ जाए, मान लीजिए आपका बिल्कुल सही निकला होगा, दैट करेक्ट। अब जरा इसे चेक करो, इन केस ऑफ कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू प्लस होता है रेंज होता है 0 से लेकर पाई, तो 0 से पाई का मतलब 0 से 180 और 2 पाई का मतलब 2 पाई का इतने का मतलब हुआ 120। मिनिमम द वैल्यू ऑफ दिस रेडियल वैल्यू इन डिग्री वैल्यू इज 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इसमें आया है। जीरो से माने ये भी आपका सही निकलता है। और जरा इसका देखो, अब इनके हिसाब साइन माइनस फाइव बाई सिक्स आया, माइनस फाइव बाई सिक्स का मतलब फाइव बाई सिक्स मीन्स 30, माइनस 30 इसकी वैल्यू है माइनस 90 से लेकर के 90, माइनस 30 इसमें बिलोंग करेगा, मीनिंग देयर वाज जो भी मैंने किया दैट करेक्ट, हमारा सही है, क्लियर। अब जरा हम क्या करना है, पे अटेंशन, अब जरा इसे सम कर दो, जरा ये पाई बाई आ गया आपका 4 प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस माइनस 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 पाई बाई 6, दैट करेक्ट। और व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम हियर 4 3 6, मुझे लगता है 12 होता है एलसीएम हियर, 12 का एलसीएम हो गया 4 3 3 4, इन दिस वे 4 3 माने 3 5, एलसीएम लेना आता है ना डियर स्टूडेंट, 3 4 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 5 माइनस 6 2 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यस इन दिस वे, जस्ट यू सी हियर व्हाट कम्स, जरा ये आ जाएगा 12 नीचे रहेगा और जरा यहाँ 3 अगर ये ऐसा करो 8 में से 2 गया 6 रहा, 6 और 3 9, यहाँ बचेगा 9 5। अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे 3 3 जा और 3 4 जा 12, वेरी गुड, सो दैट विल कम 3 5 अपॉन 4, यहाँ न्यूमरेटर क्या है बेटा 3 5, डिनोमिनेटर क्या है 4, करेक्ट, सो दैट द रिक्वायर्ड वैल्यू इज 3 5 4, दैट द प्रॉपर आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, यू मे इन इज इंटरप्रेट, यू मे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12 आल्सो एंड 13 आर एंड 14 आर एमसीक्यू, सो यू मे डू बाय योरसेल्फ, थैंक्स। सो डियर स्टूडेंट राइट डाउन द एस नंबर, कंप्लीट एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कर लेना है, कंप्लीट एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज थी 2.1, कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1, डियर स्टूडेंट आल्सो लिसन एंड लर्न एंड राइट, लर्न एंड राइट एंड लर्न नेक्स्ट फार्मूलास, इसके आगे जो फार्मूलास दिए गए हैं उनको आपको लिखना है और याद करना है, इतना करने के बाद थैंक्स, विश यू गुड लक, ओके।